A very good morning to everyone. I'm Anuj Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, as you know that we are continuing the topic, we are not afraid to die if we can all be together. This is a beautiful lesson and chapter, you can say, which shows the adventure at its extreme level. यानी कि जो एडवेंचर है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही डेयरिंग हैं. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का. वो तो इसमें देखिए, एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन टू बिल्ड अप अगेन. 4 बजे फिर क्या हुआ कि फिर से जो है काले काले बादल आना शुरू हो गए आसमान में. द वेदर रिमेन्ड बैड थ्रू आउट द नाइट, और रात तक जो है यही कंडीशन रही. ऑन जनवरी 5 मॉर्निंग द नरेटर वेंट इन टू कम्फर्ट दैट द चिल्ड्रेन हिज सन जॉन आस्क इफ देवर गोइंग टू डाई. अब जो बेटा है उससे पूछा कि क्या वो मरने वाले हैं, यानी कि जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा वर्स थी उस समय की. तो अगर छोटा बच्चा है तो समझ लीजिए फिर भी वो बहुत डेयरिंग है. तो उसने ये पूछा कि क्या वो मरने वाले हैं. ही एडेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ दे स्टेड टुगेदर. उन्होंने कहा कि अगर हम लोग साथ रहेंगे तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जिंदा रहेंगे. ऑल फॉर ऑफ देम, और हम आपस में एक दूसरे के लिए. दैट इवनिंग मैरी एंड द नरेटर फेल्ट दैट द एंड वॉज वेरी नियर. तो अब जो नरेटर है वो मैरी है, उसने सोचा कि अब तो बहुत नज़दीक है, अब तो हमको मरना ही है. मतलब इस तरह के भाई नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही, हालांकि वो बहुत पॉजिटिव थे. बट द बोट रोड आउट द स्टॉर्म. बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 द विंड ईज्ड, और इस तरह से जो है बोट वो बाहर हो गई स्टॉर्म से धीरे धीरे. और जनवरी 6 जो है द विंड ईज्ड, और जो विंड थी, हवा जो चल रही थी, वो भी ख़त्म हो गई. ही कैलकुलेटेड देयर पोजिशन. अब उन्होंने पता लगाया कि भाई वो कहाँ पे हैं, मतलब समुद्र में. वाइल ही वॉज थिंकिंग स्यू ज्वाइंट हिम एंड गेव हिम अ सेल्फ मेड कार्ड. शी हैड ड्रॉन द फनी फिगर्स ऑफ हर मदर एंड फादर टू मेक देम लाफ एंड टू थैंक देम. ही होप टू सी द आइलैंड्स एट अबाउट 5 PM. देन ही वेंट बेलो टू गेट अ शॉर्ट नैप. अब देखिए यहाँ पे है जो इनकी मदर है वो कहीं ना कहीं बच्चों को हंसाना चाह रही है, और तो उसने क्या किया कि शी ड्रॉन द फनी फिगर ऑफ हर मदर. अपनी माँ का फ़ोटो बनाया, पिता का फ़ोटो बनाया, और जिससे कि सारे लोग हंसे. और जो नरेटर है ही होप टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और उसको उम्मीद थी कि 5 बजे तक वो लगभग वहाँ पे पहुँच जाएंगे आइलैंड पे. देन ही वेंट बेलो टू सी अ शॉर्ट नैप. फिर वो एक शॉर्ट नैप लेंगे, हल्का सा नींद. एट 6 PM जोनाथन एंड सू वोक हिम अप टू गिव द हैप्पी न्यूज़. अब 6 बजे जो है जोनाथन जो है और जो नरेटर की वाइफ है उसे जगाया और एक अच्छी न्यूज़ दी. द आइलैंड एमस्टर्डम वॉज इन साइट, कि जो आइलैंड है एमस्टर्डम वो दिखाई दे रहा था. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वर रिसीव्ड बाई ऑल द 28 वर्कर्स ऑन द आइलैंड. ही थैंक्ड हिज क्रूमैन एज वेल एज लिटिल चिल्ड्रेन फॉर देयर हेल्प एंड फॉर बियरेंस. और जो नरेटर है उसने धन्यवाद किया जो क्रूमैन थे अपने दो उनके, और बच्चों को और अपनी वाइफ को, कि इस जो इतनी कठिन परिस्थिति से वो लोग बाहर निकल के आ गए. तो ये इस तरह से जो है हमारा चैप्टर जो है ये वाइंड अप हो रहा है. बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर रहा और बहुत ही एडवेंचरस चीज़ें इसमें आपको देखने को मिली. तो इस चैप्टर में आपने देखा कि जो चैप्टर्स जो जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो हैं तो लिमिटेड, एक ही फैमिली के लगभग लगभग हैं, लेकिन वो बहुत ही डेयरिंग और बहुत ही एडवेंचरस रहे हैं, और उन्होंने एक जो करेज जो शो किया है वो बहुत ही प्रेज़वर्दी है. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो नरेटर है और उसकी फैमिली है वो कितनी कठिन परिस्थितियों में जो है वो दे ओवरकम फ्रॉम बैड
conditions